वक्त बदलाव का है और नारे के सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस की मुख्यमंत्री ने अभी शपथ ग्रहण भी नहीं की थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता में सत्ता की खुमारी छा गई है। इन दिनों कांग्रेस सरपंच अनीश खान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सोसाइटी प्रबंधक को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक को धमकाते हुए कहा कि हमारी सरकार आ गई है, गया जमाना, गौरी भाव का हिंदी में समझा रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाड़ में जाए सोसाइटी वोसाइटी, अब किसान परेशान नहीं होना चाहिए। ऑडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस नेता उन पर दबाव बना रहे हैं। सोसाइटी प्रबंधक पटले ने कहा कि कांग्रेस नेता अनीश खान मुझ पर दबाव बना रहे थे, जिसकी जानकारी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। इस विषय पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेसियों का अहंकार है। यहां बता दें कि सरपंच दिग्गी राजा के करीबी बताए जाते हैं। चाहे कोई एक जनप्रतिनिधि हो या किसी दल के कार्यकर्ता हो, हम किसी से भी कैसी बात करें ये प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे संस्कार बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष सरकार रही है, लेकिन कभी हमारे कार्यकर्ताओं की इस तरह से कोई शिकायतें नहीं आती। और जहां तक अधिकारी कर्मचारियों पर जो काम हमें करवाने होते थे, उसके लिए जितना दबाव संभव होता था बनता था, लेकिन इस भाषा का उपयोग करके कभी किसी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि ने नहीं कराया है। और अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता ने बात की, तो इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर इसी तरह के कृत्य उनके द्वारा जारी किए रखे जाएंगे, तो इसके लिए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर विरोध करेंगे। दम्भ भर गया क्या? बस यही तो अहंकार है जो अभी सरकार बनने के पहले ही उनके अंदर नजर आने लगा है, और देखते हैं आगे आगे फिर क्या होता है। हूँ मेरे पास दबाव देने की कोशिश में है कि भाई ऐसा ऐसा करवा लो और ऐसा नहीं करते कर्मचारी को हटा दो, तो मैं बगैर उनको तो बड़ा कार्रवाई के बगैर कुछ की गलती किए तो हटा ही नहीं सकता मैं, ऐसा प्रोसीजर है। और उन्होंने ये जो प्रेशर दिया है कि भाई ऐसा हो गया मैं सोसाइटी जला दूंगा, धमका दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, गौरी भाव का राज आ गया है, कांग्रेस का गौरी भाव का राज नहीं है, कांग्रेस का राज आ गया है, ऐसा करके उन्होंने मेरे से। तो इस मामले में कोई शिकायत आपने संगठन को या पुलिस को दर्ज की क्या? नहीं, इस मामले में तो मैंने अभी तक सिर्फ अपने कार्यालय में दिया हूँ और सभी सहपाठी भाइयों को भी बताया था और अध्यक्ष को भी बताया था और कुमांशी भाव को भी बताया हूँ। तो क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? कानूनी कार्रवाई के संबंध में हाँ होना तो चाहिए जब धमका रहा है। कांग्रेस ने चुनावी वचन पत्र में किसानों को प्राथमिकता देने के साथ ही उनके कर्ज माफी की भी घोषणा की है। ऐसे में अब प्रदेश में किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बालाघाट जिले में सहकारी समितियों ने किसानों ने 400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। अगर कांग्रेस अपने वचन पत्र पर खरी उतरती है तो 125,000 किसान लाभान्वित होंगे। सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि प्रस्तावित ऋण माफी के संदर्भ में 400 करोड़ का कर्ज कालातीत और चालू खाते के ऋण है, जिनकी 125,000 है। हालांकि महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया है कि किसानों के ऋण माफी को लेकर कोई भी दिशा निर्देश फिलहाल नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसानों से समिति में खोले गए खातों को आधार से लिंक कराने की अपील जरूर की है, जिससे कि ऋण माफी योजना में वह शामिल हो सके। मौसम में आए बदलाव के बाद बालाघाट जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और एकाएक ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। ठंड का इतना असर है कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद अधिकांश लोग घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। शाम होते ही शहर में चहल पहल कम दिखाई दे रही है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। हल्की बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है। स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद आगे आई है। नपा CMO ने स्पष्ट किया है कि शहर में कुछ चिन्हित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करेगी और रेलवे या बस स्टैंड में बसेरा करने वालों के लिए नगर पालिका द्वारा बनाए गए रेन बसेरा में ठहराव करने की भी व्यवस्था की गई है।